दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले भारत ने फिलीपींस पहुंचकर सीधे चीन को धमकी दी और दक्षिण चीन सागर के विवाद में फिलीपींस का समर्थन कर दिया। इसके बाद अब भारत चीनी जासूसी जहाज का इलाज कर चुका है, जो पिछले काफी दिनों से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के खिलाफ रिसर्च के नाम पर जासूसी कर रहे थे। लेकिन अब भारत के एक्शन मोड में आने के बाद चीन को डर लगना शुरू हो चुका है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट एक कश्मीरी वुमेन एक्टिविस्ट की तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब करने से जुड़ा हुआ है, जिसने पाकिस्तान का सारा प्रोपोगंडा सिर्फ कुछ ही मिनटों के बयानों में यूएन में बर्बाद कर दिया है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली आपके लिए वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ एक्शन लेते हुए अब काफी बड़ा कारनामा कर दिया है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से चीनी नौसेना के जासूसी जहाज रिसर्च एक्टिविटी करने के नाम पर हिंद महासागर क्षेत्र में मंडरा रहे हैं और इनकी वजह से भारत को काफी नुकसान हुआ। न सिर्फ हमें अपने मिसाइल परीक्षण बल्कि एडवांस रॉकेट लॉन्च को भी पोस्टपोन करना पड़ा और अब चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने टिट फॉर टैट की नीति अपनानी शुरू कर दी, जिसके तहत निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत ने पहली बार अपने जासूसी जहाज समुद्र रत्नाकर को हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। भारत का यह अकेला रिसर्च वेसल उन सभी चीनी जहाजों के बीच तैनात है जो हिंद महासागर में मौजूद है और इस एक वेसल के सक्रिय होने की वजह से बीजिंग में हरकत तेज हो चुकी है, क्योंकि अब चीन ये बात समझ गया है कि भारतीय जासूसी जहाज भी चीन के खिलाफ वे सभी ऑपरेशन करने में सक्षम है जो चीन भारत के खिलाफ कर रहा है। दोस्तों, समुद्र रत्नाकर भारत के पास मौजूद कुछ सबसे एडवांस और शक्तिशाली रिसर्च वेसल में से एक है। इसकी लंबाई 103 मीटर की है और इसमें 100 क्रू मेंबर तैनात हो सकते हैं। इस जहाज में काफी मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, ओसनोग्राफिक इक्विपमेंट्स और दूसरे सर्विलेंस उपकरण मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से ये अपने आसपास के वातावरण की जानकारी हासिल कर सकता है। साथ ही इस जहाज में वह सभी खूबी है जो हिंद महासागर में तैनात चीनी जासूसी जहाज में है, यानी कि भारत का ये जहाज चीनी जहाजों को कड़ी टक्कर देगा। ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर सामने आ रही है जब भारतीय नौसेना ने पिछले दो दशकों में पहली बार एक साथ 11 सबमरीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग रणनीतिक ठिकानों पर तैनात कर दिया है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय नौसेना चीनी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए अब अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो चुकी है। ये वही एक्शन है जिसका इंतजार भारत में मौजूद रक्षा एक्सपर्ट काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि अगर भारत इस तरह थोड़ा आक्रामक नहीं होगा तो चीन हिंद महासागर में काफी मजबूत बन सकता है। साथ ही भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया। बता दें कि 11 सबमरीन के साथ फिलहाल हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के 30 से ज्यादा एडवांस युद्धपोत भी तैनात हैं। ऐसे में अब रिसर्च वेसल समुद्र रत्नाकर का चीनी जासूसी जहाज के नजदीक पहुंचना इस बात को साफ कर देता है भारत हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली देश है और भारत को यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि भविष्य में दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में भी हमें अपने युद्धपोत सबमरीन और जासूसी जहाज रूटीन मिशन के लिए तैनात करने चाहिए, जिससे चीन पर मानसिक दबाव बनाया जा सकेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट पाकिस्तान के सारे प्रोपोगंडा को बर्बाद करने वाले सिर्फ एक बयान को लेकर है। दरअसल तस्लीमा अख्तर, जो पाकिस्तान की एक मानव अधिकार कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट है, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कश्मीर की सच्चाई दुनिया के सामने कर दी। उन्होंने खुलकर कहा कि अब कश्मीर पहले की तरह नहीं रहा, पाकिस्तान के नापाक इरादे बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि पहले कश्मीरी नौजवानों के हाथों में पत्थर और बंदूक थमा दी जाती थी, लेकिन आज वही कश्मीरी कलम और किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्लीमा अख्तर ने खुलकर कहा कि आज कश्मीरी बच्चियां पढ़ लिख कर IPS और IAS जैसी सेवाओं में जा रही है, जिससे ये बात साफ होती है कि कश्मीर में काफी बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में अब शांति से डेवलपमेंट हो रहा है, न कि हर दिन पत्थरबाजी और गोलियां चलती है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि सभी कश्मीरियों ने साथ मिलकर पाकिस्तानी विचारधारा को नकार दिया और गर्व से कहा कि वे हिंदुस्तानी है और भारत ही उनका देश है। तस्लीमा अख्तर ने कश्मीर में आए पॉजिटिव बदलाव के बारे में और भी काफी सारी अच्छी बातें बोली, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत का कश्मीर अब प्रोपोगंडा से आजाद हो चुका है और चाहे पाकिस्तान कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वह कश्मीर में हो रहे विकास को नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर का भला नहीं चाहता, बल्कि वह बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ के नौजवानों को कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ प्रेरित करता है और उनके हाथों में पत्थर से लेकर बंदूक थमाने की कोशिश करता है, जिसे भारत ने कुचल दिया और कश्मीर में शांति स्थापित की है। साफ है दोस्तों, इस समय भारत एक तरफ तो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है और दूसरी तरफ कश्मीर की छवि दुनिया भर में हाईलाइट कर रहा है, जिससे
इससे इन फ्यूचर भारत को काफी फायदा मिलेगा और भारत को पीओके को अपने साथ मिलाने में मदद मिल सकती है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।